नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज दिल्ली। मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली का विकास, यानी कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, आज इस राजधानी का क्या हाल हो चुका है। यहां पर है दिल्ली सरकार केजरीवाल की, और आप इसको ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किस तरीके का विकास हो रहा है दिल्ली के अंदर। पूरी राजस्थान कॉलोनी जो कि ये वार्ड नंबर आपका ये 95 लगता है, 95, लेकिन जो सीवर की लाइन जो डल रही है काफी समय होने के बाद, अभी तक इस जगह की कोई सुधार, कोई गारंटी, कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर में ये व्यवस्था क्यों नहीं होती? दिल्ली एक तरफ बनाने की बात करती है, और दिल्ली किस तरीके की मॉडल है ये आप भी जान सकते हैं। आजकल अधिकतर दिल्ली की न्यूज के अंदर में सिर्फ एक ही बात आती है कि दिल्ली को मॉडल बनाया गया। दिल्ली को मॉडल किस तरीके से बनाया गया है ये आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर लोग की जो आवाजाही है, यहाँ से जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी जो गाड़ियां होती हैं वो गाड़ियां गिरती हैं, बाइक जो लोग लेकर के आते हैं, बाइक से जो लोग लेकर के चलते हैं। इस पानी के अंदर ये नहीं पता कि यहाँ पे सीवर कितना है और यहाँ पर कितना पानी है। अगर इसी तरीके की अगर व्यवस्था अगर बनी रही तो आप ये समझिए कि किस तरीके से इस दिल्ली का विकास हो रहा है। भारत की राजधानी कही जाने वाली जो दिल्ली सरकार, जो दिल्ली के अंदर में इस समय उपस्थित केजरीवाल की जो सरकार है, एक मिनट में आपको देखना बताना चाहूंगा। अब कब से आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ये 10-12 दिन से आ रही है, खुदाई हो रही है, नाले उले काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस नाम है जी। कितने समय से दिक्कत है ये? 15 दिन से दिक्कत हो रही है। 10-15 दिन के अंदर में जो ये बारिश का पानी भर जा रहा है, सीवर की वजह से जो दिक्कत आ रही है, इसके अंदर में क्या क्या और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही है? स्कूल जाने आने जाने में परेशानी है, तमाम कीचड़ होया पड़ा है, स्कूल जाने आने में परेशानी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय जो निवासी हैं, जो गाड़ी चालक हैं, उन लोगों को भी किस परिस्थितियों के अंदर में जो सामना करना पड़ता है। मेरे साथ में एक भाई जुड़े हैं स्कूटी से। भाई जी, आप यहाँ से गाड़ी निकाल के लेकर कैसी दिक्कत आ रही है आपको? बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। कब से दिक्कत है ये? लगभग एक महीना होने जा रहा है। अभी तक जो यहाँ पे सड़कों का विकास नहीं हो पाया है, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द सरकार रोडों का सही समाधान करे। यही कहती है कि यहाँ पे विकास होना चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई विकास नहीं है, और विकास जो है वो आखिर में चला कहाँ गया? अगर ये विकास अगर दिल्ली से चला गया तो विकास कब आएगा? अगर ये विकास आना चाहिए दिल्ली को मॉडल बनाने के लिए, जो बात दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो करती है, वो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि विकास निवासी और भी जुड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। माइक छोड़ दीजिए आप बोलिए। सर, ऐसा है जो विकास हमारा ही दिख रहा है, ये देखिए कोई पोस्टरों में विकास दिख रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा कि काम हो रहा है। यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं, टांगे टूट रही है, ना केजरीवाल साहब देख रहे हैं, ना कोई हमारे सीएम साहब देख रहे हैं जी, ना हमारे एमएलए साहब जी, कोई आता ही नहीं है। बस खाली इलेक्शन जब होता है तब लोग आ जाते हैं जी, वोट दो हमें, ये दो ये करो। और है कि स्कूलों के बाद दारू की दुकान के बच्चे दारू पीते जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला। यहाँ पर देखा गया जो हमारे पास वीडियो आई है, उसके अंदर में वीडियो के अंदर में बच्चों की जो बहनें जो दोपहर में निकलती है, सुबह निकलती है, उनको बहुत बच्चे गिरते हो जाते हैं इसमें। हमें तो तकलीफ होती है, बच्चे गिरते हो जाते हैं इसमें, बच्चे गिरते हो जाते हैं। ये विकास अगर ये है राजधानी का तोड़ देखो क्या होता। बल्कि सीएम होते योगी, और योगी सीएम होना चाहिए यहाँ पे, दबंग सीएम होना चाहिए। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? आप नाम क्या आपका? मेरा नाम अर्जुन शुक्ला है। आप क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप दिल्ली के विकास को लेकर के? क्या बोल रहा हूँ, देखो ये हाल है, पग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहा है, क्या करें, बोलो। क्या कहना चाहेंगे जब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाए यहाँ से अपने हाथ पैर तोड़वा करके, जो एक एक स्तर पर आप लोग हाथ पैर तोड़वा करके वहां पे फ्री की जो सेवा बताते हैं कि हम लोग फ्री का जो है हॉस्पिटलों में इलाज कर रहे हैं, क्या वो इस तरीके से हो करके उसके घर वाले जब परेशान हो जाएं तभी आप क्या आंख आप लोगों की खुलेगी? दिल्ली सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस तरफ ज्यादा ध्यान दे। दिल्ली के अंदर में जहां तक हर कॉलोनी और हर सड़कों के अंदर में बहुत ज्यादा बुरा हाल चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं लगातार लोग जो है, एक मिनट रुकिएगा, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के विकास के लिए? यहाँ पे ऐसी विकास हो रही है, देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लगातार जो है, एक मिनट रुकिएगा सब, क्या कहना चाहेंगे? ये विकास है ना, कितना कीचड़ भरा हुआ है और क्या परेशान है, और परेशान हुए भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो सरकार ही ऐसी है कि हम इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह पड़ जाती है कि दिल्ली को मॉडल कही जाने वाली
जो दिल्ली सरकार लगातार दावे करती है कि हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया है, अगर वो इस तरीके की मॉडल है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्थानीय निवासी भी जो लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी एक बार पूछने की कोशिश करूंगा। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत जी, आप ये बताइए, जो ये आपके कॉलोनी के अंदर में जो विकास है, ये कहाँ तक सही है? कहाँ सही, कुछ सही नहीं, सही सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सही कराए, सही कराए। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए, क्या नाम है भाई साहब आपका? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, आप ये बताइए मेरे को कि ये कितने समय से ऐसा ये चल रहा है लगातार? काफी समय से चल रहा है, क्योंकि जहां तक यहाँ पर देखा गया है कि अभी तक इसके रोड बनने की जो बात कही जाती है कि हमने रोड बना दिया, लेकिन वो रोड अभी तक नहीं बना है। और यहाँ पे कॉलोनी जो बना है ना, कुछ बन रहा है ना, कुछ खुदाई होती जा रही है, कुछ ना बन रहा है ना बना है। लगातार दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह खुदाई चलती है। ऐसा कौन सा ऐसा इंजीनियर है जो दिल्ली विकास के अंदर में कि एक बारी सीवर की लाइन डालते हैं, पहले रोड बनाएंगे, रोड को तोड़ देंगे, फिर सीवर की लाइन डालेंगे, फिर उसके बाद रोड बनने के लिए फिर 5 साल लगेगा, और जब तक सरकार भी बदल जाती है उसके बाद में ना जाने कितना समय लगेगा। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ में और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बारी मैं उनसे भी कोशिश करता हूँ बात करने की। भाई साहब कितनी, आपका नाम बताओ पहले। भूपेंद्र जी, क्या व्यवस्था चल रही है आपके यहाँ? ये बहुत खराब व्यवस्था चल रही है, यहाँ आने जाने को बहुत दिक्कत होती है, पैदल भी और सवारी भी। पैदल को भी और सवारी को भी ज्यादा दिक्कत है। ये हमारे पास में, इधर आओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजू जी, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे दिल्ली सरकार को? ये कहना चाहेंगे कि ये रोड जल्द से जल्द बने। आप काम क्या करते हो? राजपत्र का काम करते हो और मजदूरी काम करते हो। हमारे साथ में मजदूर भाई है जो कि यहाँ पे हर तरीके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार जो अभी तक अपनी व्यवस्था को जो बता रही है लगातार कि हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया है, लेकिन दिल्ली मॉडल कहाँ से बनी है हमें ये भी नहीं। एक हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए हैं, बताइए आप क्या नाम है आपका? राम मनोज जी, बताइए मेरे को, ये जो सीवरों की और ये जो गलियों की जो स्थितियां है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खराब सर, आपके सामने। आपके सामने क्या करते हैं आप? यही बेलदारी का काम करते हैं। मजदूर तबके के लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं, मजदूर तबके के लोगों के ही बच्चे जाते हैं, गाड़ी से जो निकलते हैं किसी तरीके से निकल करके जाते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था। हमारा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र जी, आप ये बताइए, दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था है इस समय किस तरीके से दुरुस्त है या नहीं है? बहुत बुरी है। इस समय हमारे यहाँ के रोड देखो, दिल्ली के रोड देखो, इतने ज्यादा खराब है, रोज एक्सीडेंट, रोज बाइकें गिर रही है, सब कुछ हो रहा है। हाफ पीने लग गया, जो कभी कभी पीता था वो रोज पीने लग गया। घर की हालत ऐसी हो रखी है लोगों की, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और किसी पर ध्यान नहीं इनका, सिर्फ दारू, और ये फ्री वो फ्री सब कुछ फ्री। अरे महंगाई कम करो तब हो कुछ दिल्ली का हाल सही। अच्छे लीडर भी हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस समस्या को देखते हुए आज यहाँ पर सुबह आए। आज थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक हुआ है क्योंकि स्कूली बच्चे जो कि 7:30 बजे जाते हैं, अब कल भी कर सकती थी। अगर सीवर लाइन आज कम से कम 20 साल पुरानी सीवर लाइन है, अगर उनको खोद के दोबारा नहीं डाली हुई थी तो ये 2-3 महीने बाद भी कर सकती थी। ये यातायात यहाँ पर इतना प्रभावित हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का दुकानें सारी बंद है, लोगों का कारोबार सारा काम बंद है, कोई स्थिति नहीं है कि यहाँ पे लोग जा सके आ सके, लोग गिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अभी इधर लोग खड़े हैं। बहुत इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है कि पूछने की हद नहीं है। मैं दिल्ली सरकार से और राजकुमार आनंद जो कि हमारे सर्वश्रेष्ठ विधायक के नाम से उनको पुरस्कार दिया गया, अभी आप देख सकते हैं ये पुरस्कार लायक कार्य है। और अगर उन्होंने सीवर भी डाल लेते हैं तो ये इतनी छोटी लाइन डाल रहे हैं, उस लाइन को डालने का कोई औचित्य नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मेन रोड जो लाल बत्ती आप मेन रोड से लेकर ये अंदर जो आप देख रहे हैं ट्रांजिट कैंप से यहाँ तक ये लाइन डलेगी। और ये वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए कि साफ पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे। खड्डे हर जगह खुद रहे हैं लेकिन उस खड्डों को दोबारा भरा नहीं जा रहा, उस जगह रोड नहीं बन रही है। कोई गाड़ी है, कोई दिक्कत आता है तो गड्ढे इतने ज्यादा हुए हैं कि गाड़ियां उसमें धस जाती हैं और गच्चे गिर जाते हैं, कई रिक्शे यहाँ पे टूट चुके हैं। इतनी दयनीय स्थिति है यहाँ पर, लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत है, परेशानी है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं फिर राजकुमार आनंद से आह्वान करता हूँ, कृपया करके
को जल्द से जल्द खत्म करें और इस भीषण समस्या से लोगों को निजात दिलाए, नहीं तो आने वाले टाइम में और एक दो बारिश हो गई तो लोगों का आने जाने का काम सारा ठप हो जाएगा, लोगों का कारोबार ठप हो जाएंगे। और ये लाइन अभी हम मेन रोड तक जानी है, अब ये पिलर के पास राजस्थान कॉलोनी के पिलर के पास ये लाइन जाएगी तो लोगों का घर से आना जाना बंद हो जाएगा अगर ये स्थिति रही है। बहुत बेकार स्थिति है। मैं केजरीवाल सरकार और राजकुमार आनंद को एक बार फिर से आह्वान करता हूँ, जनता मैं एक बार यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं, अभी जो कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ दुकानें जो हैं वो यहाँ पर नहीं खुली हैं, अगर एक गाड़ी भी आ जाती है और इस खड्डे के अंदर फंसती है या इस जाम में फंसती है तो बहुत समय लग जाता है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार दुकानदारों से बात करने की और क्या क्या कहना चाहता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर जिम है, लगातार यहाँ पर बच्चे जो है अपनी फिटनेस को लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बारी भाई साहब आ जाए और एक बारी जरा बताए हमारे को। नमस्कार भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? कपिल जी। कपिल जी, ये कब से ये स्थितियां बनी हुई हैं? दस बारह दिन हो गए। इसके अंदर में ये देखा जाता है कि आए दिन जो है वो जाम की समस्या और लोगों की गाड़ी टूटने की समस्या और बुजुर्गों को गिरने की समस्या आती है, क्या ये सही है? सही है, खासकर बच्चों के लिए दिक्कत है। सुबह जाते हैं तो काफी रश होता है और ये पाइपलाइन फटी है तो पानी निकल के साफ स्लिपरी हुआ था पूरा। अगर इसी तरीके से बारिश भी होती रही और इस तरीके से पानी भी अगर निकलता रहा तो जहां तक है यहाँ की परिस्थितियां बहुत ज्यादा दिक्कत में भी आ सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप राजकुमार आनंद जी को, जो कि आम आदमी पार्टी से यहाँ के विधायक हैं? काम को जल्दी जल्दी खत्म किया जाए ताकि दूसरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और बारिश का मौसम है, अगर कंटिन्यू चलती रही पेंडिंग में तो ये बहुत ज्यादा कीचड़ भरता रहेगा, बहुत ज्यादा स्लिपरी ज्यादा होता रहेगा। जी जी, जो ये गड्ढा खुदा रहेगा और बच्चे भी गिर जाते हैं उसके अंदर। जी बंद हो रखा हो। जी जी, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ऐसी स्थितियां बनती चली जा रही है पटेल नगर के क्षेत्र के अंदर में। जो हम लोग इस समय उपस्थित है यहाँ के जो आम आदमी पार्टी से जो विधायक है राजकुमार आनंद जी, वो आदरणीय विधायक होने के साथ साथ में हम उनसे एक निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि पटेल नगर की जो आप विधायक है और पटेल नगर के अंदर में जिस तरीके से इस समय स्थितियां चल रही है आप उसके ऊपर में एक नजर डालिए और इन परिस्थितियों को जल्द से जल्द जो दुर्लभ परिस्थितियां हैं उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। मैं एक बारी अपने चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसके ऊपर से। मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ राजस्थान कॉलोनी बाबा फरीदपुरी आपका 95 नंबर वार्ड से व्यास कुशवाहा, क्या कहते हैं आप हमारी वीडियो? नमस्कार, जय हिंद।